Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, today we will discuss number series. और number series भी हम कौन सी discuss करेंगे, जैसे कि actual में exam में आ रही हैं. CSAT 2021 की जो number series आई हुई थी, वो मैं आप लोगों के साथ में discuss करूंगी. और साथ में ही आप लोगों के साथ में उसी तरह की कुछ और series discuss करेंगे. Okay? That means कि क्लास इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. पता चलेगा कि नंबर सीरीज आ रही है यूपीएससी में, तो आ कैसी रही है. सिंपल सीरीज आती है. देखो बेटा, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि यूपीएससी के अंदर सी सेट का पेपर सिंपल है, इजी क्वेश्चन आते हैं, बट लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं. लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली यूपीएससी के अंदर आपका मेंटल एबिलिटी ही चेक करी जाती है सी सेट के पेपर के अंदर. सीसेट के अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी ही चेक करी जाती है. दैट मींस व्हाट, कि सारे लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे. ओके, तो कैसे क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में आए हुए थे. सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जो कि सीसेट 2021 के अंदर आया हुआ था नंबर सीरीज का. ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास में एक सिंपल सी सीरीज गिवन है बेटा, बट आपको डायरेक्टली सीरीज गिवन नहीं है. ऐसा नहीं है कि हाँ जी फाइंड द मिसिंग टर्म और एक सीरीज गिवन है. क्या है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया हुआ है, कह रहा यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंसेस इन टू रोज, सीक्वेंस वन एंड सीक्वेंस टू. देन व्हाट इज द एंट्री इन प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस टू, सेकंड सीक्वेंस के लिए सी की जगह पे क्या एंट्री आएगी. ओके, तो जब भी इस तरह की सीरीज एग्जाम के अंदर आती है, तो यहाँ पे ध्यान रखो हमने करना क्या है. क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट सीरीज गिवन है, उस फर्स्ट सीरीज के अंदर से आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज के अंदर क्या लॉजिक लगा हुआ है. ठीक है, जब आपको लॉजिक मिल गया, देन यू विल अप्लाई द सेम लॉजिक इन द सेकंड सीक्वेंस. ओके, जब आप सेकंड सीक्वेंस पे उस लॉजिक को अप्लाई करोगे, तो कुछ नंबर्स आएंगे, आपकी एक नई सीरीज बिल्ड हो जाएगी. उस न्यू सीरीज का आपको पर्टिकुलर नंबर बताना है, दैट इज योर आंसर. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है सीरीज, 8, 4, 6, 15, 15.2, 2, 3, 6.5, मींस क्या हो रहा है, किसी पॉइंट वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अगर हम देखें कि 8 से 4 कैसे बना, दैट मींस कि अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई विल गेट 4 आ गया. अब 4 से 6 की अगर हम बात करें, तो हमें पता है 15 × 4 = 60, एक पॉइंट है वो कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस कि कितना आ गया आपके पास में 6. यहां से हमें लॉजिक थोड़ा सा पकड़ में आ गया कि क्या हो रहा है आपके पास में, मल्टीप्लीकेशन हो रही है 0.5, 1.5, तो नेक्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए. चेक कर लेते हैं, अगर मैं 6 को 2.5 के साथ में मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, देन 25 × 6 कितना होता है, 150, पॉइंट से कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस कि 15, मींस कि सेम टर्म आ रही है, मींस कि हमें लॉजिक यहाँ पे मिल गया है. ओके, अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अब जब हमें पता है कि लॉजिक मुझे मिल गया, सेम लॉजिक अप्लाई करना है. या तो तरीका ये है कि हाँ पूरा करना चाहते हो पूरा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उससे आंसर नहीं आएगा, बट जरूरत क्या है, आगे करना है आप कर सकते हो. 15 को क्या करोगे बेटा, 15 × 3.5, एंड देन आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 52.5, और इसको क्या कर रखा है 4.5 के साथ में, आपकी पूरी की पूरी सीरीज आ गई. ओके, दिस इज द लॉजिक. अब हमने सेम किस पे अप्लाई करना है, सेकंड वाले पे. देखो क्या है 5, अब 5 को क्या करेंगे हम, 0.5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या आ गया आपके पास में, हाँ जी जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2.5. कितना आ गया, 2.5. अब क्वेश्चन के अंदर ये भी हो सकता है कि इन प्लेस ऑफ ए, तो ए की जगह पे अगर आ जाता तो हम क्या लिखते हैं आंसर, 2.5 विल बी द करेक्ट आंसर. सीधा आपका 2.5 आंसर आ जाना था. ठीक है, बट यहाँ पे क्या आपके पास सी तक पहुंचना है आपको. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना है, फिर 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.5 से. सेम लॉजिक अप्लाई करना है आपको 1.5 से. कितना आ गया, 37.5. ठीक है, 25, 15, 375. क्लियर, अब अगर हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो 37.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे अब, हाँ जी नेक्स्ट टर्म क्या थी, 2.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 25, 5, 125, 12, 25, 7, 175, ये हो गया बेटा 7, 18 कैरी आ गया, और 25, 3, 75, 8, 5, 13, 8 और 1, 9, 8 और 1, और पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे, दैट मीन्स कि पॉइंट अपने पास में
सॉरी बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। देखो थोड़ा पॉइंट का अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान दें, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, दैट मीन्स कि 3.75 आएगा। क्या आएगा? 3.75। और यहाँ पे आपके पास में 3.75 है, दैट मीन्स कि टू डिजिट्स ये आगे पॉइंट के बाद की और एक डिजिट ये आगे, दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास में 9.375। क्या आ जाएगा? 9.375। तो अपने पास में C की जगह पे क्या आ गया? 9.375। ओके, यही आपका क्वेश्चन था क्या कि C की जगह पे क्या आएगा? व्हाट इज द एंट्री इन प्लेस ऑफ C इन द सीक्वेंस सेकंड? तो C की जगह पे क्या आएगा? 9.375। क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, बेटा मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊं। ऐसे तो देखा जाए तो ढेरों पड़े हैं क्वेश्चंस, बट उनका कोई फायदा नहीं है। जैसे क्वेश्चंस एक्चुअल में आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कराए जाए। डन। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CSAT 2020 का। 2021 के अंदर बेटा तीन क्वेश्चंस आए हुए थे नंबर सीरीज पे से, तीन नंबर सीरीज के आए हुए थे और दो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आए हुए थे। दैट मीन्स कि सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट, अगर मैं सीरीज की बात करूँ ना, सिर्फ सीरीज, तो सीरीज के अंदर से तीन जो क्वेश्चंस थे वो थे नंबर सीरीज के। ओके, तो जो लॉजिक्स है ना सीरीज का अच्छे से सभी ने क्लियर कर लेना है। और दो थे आपके पास में अल्फा न्यूमेरिक के। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर भी बेटा एक तो आपका जो था सीरीज वो ABAB वाली जो सीरीज थी वो थी, और एक के अंदर क्या था? पैटर्न पे बेस्ड थी सीरीज, इस तरह से कुछ पैटर्न गिवन था और उस पे बेस्ड सीरीज थी। तो इस सभी के सभी सीरीज पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, सीरीज पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ईजी टॉपिक है बेटा, ईजी है और आप आराम से कर लोगे। आप देखो कितना आराम से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन 2021 का क्या है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 2, 7, 22, 67, 202, x, 18, 22। कितना इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सिंपल सी सीरीज है, क्या है? 2, 7, 22, 67, 202, then x and लॉजिक देखो क्या हो रहा है। 2 into अगर हम देखें 3, 2 into 3 कितना आ गया आपके पास में? 6 plus 1 कितना बन गया? ओके, इसी तरह से अगेन इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से 7 21 21 और 1 क्या हो गया? 22। अगेन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3 से 1 ऐड किया, 66 plus 1 67। अगेन क्या कर रहे हैं? लॉजिक मिल गया सभी को? हाँ जी, क्या बन गया आपके पास में? 202। तो नेक्स्ट टर्म के लिए भी क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर क्या करोगे? 1 ऐड कर दोगे। 202 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 606 आएगी और 1 उसके अंदर आपको ऐड करना है। जब 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 607। दैट मीन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी इजी सीरीज। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे आप जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर अगर आपको ये है कि एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कि मेरा करेक्ट है या रॉन्ग है, तो अगर उसके बाद में भी कोई नंबर गिवन है तो उसके साथ आप कंफर्म कर सकते हो। आपका आंसर आया 607। अब 607 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? 6 3 18 21। इसमें अगर आप 1 ऐड करते हो क्या आएगा? 18 22। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है? 1822। दैट मींस कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चल फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन CSAT 2021 का क्वेश्चन। 2021 में बेटा तीन क्वेश्चन आए हुए थे, क्या था? 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43 and 40 सीरीज गिवन है। अब देखो थोड़ा सा ना डिफरेंट तरह से क्वेश्चन को पूछ रखा है क्या? जैसे पहले वाले में दो सीरीज गिवन थी, डायरेक्ट नहीं था, ठीक है। अब दूसरे वाले में डायरेक्ट सीरीज थी, अब इस तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? आपके पास सीरीज गिवन है और साथ में आपको हिंट भी दे दिया है। हिंट क्या है? क्या है? वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न।
कह रहा है कि ओड और इवन के अंदर सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो अब बताओ कि इनकरेक्ट टर्म कौन सी है। अब हम देखेंगे कि इवन और ओड अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए ये क्या है, 3, 7 देन 13, 21, 31, 43, ये ओड वाली सीरीज है। ओड सीरीज का अगर मैं लॉजिक देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास में एक डिफरेंस आ रहा है कितने का, ये है 4, ठीक है, देन 6 एंड ये हो गया आपके पास में 8, उसके बाद में दोनों का डिफरेंस है बेटा 10, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास में 12, 4, 6, 8, 10, 12, अगर हम फर्दर लॉजिक देखें तो 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ओके, दैट मींस कि यहाँ तो कुछ भी रॉन्ग नहीं है, जो हमारे पास में ओड है उसके अंदर कुछ भी रॉन्ग नहीं है, सभी के अंदर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इवन वाली देख लेते हैं, इवन वाली देख लेते हैं बेटा, कलर चेंज कर देते हो ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। ये हो गया आपके पास में इवन की सीरीज, ये है, ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कितने का है, 2, ओके, यहाँ पे 4 और 10 के बीच के अंदर 6, उसके बाद में 8, उसके बाद अगर मैं देखूँ 10 और उसके बाद में क्या है आपके पास में 12, तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 देन 2, 2, 2, दैट मीन्स कि ये तो रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि सभी के बीच में 2, 2 का है और यहाँ पे क्या था 4, 6, 8, 10, 12, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 4, 6, 8, 10, 12 होना चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। 4 का कब होगा, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे, इस 2 की जगह पे क्या लिख दूँ, 0, अगर यहाँ पे 0 है तो क्या आ जाएगा, 4। मान लो मैं कहती हूँ कि भाई ये जो है नंबर, ये मेरे पास में क्या है, 0 है। अब देखो, ठीक है, तो 0, 4 का डिफरेंस आ जाएगा, तो सेम लॉजिक बन जाएगा। और इसने कहा भी क्या है कि जो रॉन्ग टर्म है उसकी जगह पे करेक्ट पुट करो, तो करेक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, हाँ जी सभी को क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब देखो कुछ सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो जैसे यहाँ पे एक आपके पास फिर सीरीज गिवन है, द क्वेश्चन बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन सीरीज, सीरीज 1 एंड 2, सीरीज 1 सेटिस्फाई ए सर्टेन पैटर्न, कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है किसमें, सीरीज 1 के अंदर, फॉलो द सेम पैटर्न इन सीरीज 2, कह रहा है कि सेम पैटर्न किस पे हो रहा है, सीरीज 2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, देन आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब आपके पास में जो क्वेश्चन मार्क की स्पेस है जगह पे, ये कह रहा है कि इसकी जगह पे बताओ क्या आएगा, ओके, अब करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट सीरीज का लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट सीरीज के अंदर क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपने पास में क्या हो रहा है, अगर हम देखें पैटर्न 12 से बन रहा है बेटा 12 से 27 बन रहा है, तो यहाँ पे 12 × 2 = 24 और 3 = 27, ठीक है, देखते हैं सेम लॉजिक बन रहा है कुछ और बनेगा, अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम इसको देखें 27 × 2 कितना होता है आपके पास में 54, एंड 54 को यहाँ पे है हमारे पास 9, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है +5, कितना आ गया आपके पास 59, ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, अगेन अब 59 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 59 × 2 कितना हो गया, 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10 और 11, ठीक है, और यहाँ पे कितना आपके पास में 125, दैट मीन्स कि कितना ऐड हो रहा है +7, कितना बन गया 125। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पैटर्न क्या यूज हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद में एडिशन क्या हो रहा है 3, 5, 7, तो उसके बाद में क्या जाएगा आपके पास में 9, 11, 13, कुछ इस तरह से जाएगा हर एक नंबर को आगे फर्दर, अब चेक करके देख लीजिए आप, इंटू 2 कितना हो गया 250 जमा 9 कितना हो गया 259, यही पैटर्न अप्लाई होगा। अब इसी सेम पैटर्न को अप्लाई करते हैं हम सेकेंड सीरीज पे, ओके, सेकेंड सीरीज पे अप्लाई करिए,
सेकेंड सीरीज बेटा कहाँ से शुरू हो रही है? 23 से शुरू हो रही है। अब 23 इंटू 2 कितना आ गया? 46। 46 के अंदर अगर मैं 3 ऐड करती हूँ कितना बन गया आपके पास? 49। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था आपके पास में ए बी सी डी ई। अब क्वेश्चन आ जाता, बताइए व्हाट शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ ए। ओके, तो आपके पास में क्या आंसर आ जा रहा था? 49 आ जाना था, सिंपल। अब इसी तरह से सेकंड हमने फाइंड आउट करने, हमें यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए? 49 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास में? ये हो गया 98। 98 प्लस 5 कितना आ गया? 103। ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए 103 इंटू 2 कितना आ गया? 206। 206 के अंदर क्या ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म के लिए? 7, दैट मींस कि 213। ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए अगेन क्या करना है हमने? इंटू 2 कितना आ गया आपके पास? 426। 426 के अंदर अगर मैं 9 ऐड करती हूँ तो कितना आ गया आपके पास में? 435। ओके, दैट मींस व्हाट कि हमारे पास जो सीरीज है वो क्या बन रही है? दिस इज 49। हाँ जी बेटा, 49, उसके बाद 103, 213 एंड देन 435। अब मुझे क्या चाहिए था? क्वेश्चन मार्क की जगह पे चाहिए था, क्या आ जाएगा? 435। सो योर आंसर विल बी 435। हाँ जी बताइए, कोई भी डाउट, कोई भी माइनर सा डाउट तो इस तरह का कुछ आएगा, कर लेंगे सभी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह की एक और सीरीज डिस्कस करते हैं। एक बार सभी ने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है, एक बार सभी ट्राई करके देखेंगे इसको। क्या है अगेन आपके पास में? एक सीरीज गिवन है 2187 729 243 81 279, और एक आपके पास में सेकंड सीरीज गिवन है। अब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हाँ जी, जो पैटर्न फर्स्ट में फॉलो हो रहा है वही सेम पैटर्न कहाँ पे फॉलो होगा? सेकंड में। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपके पास क्या गिवन था? फर्स्ट नंबर गिवन था, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास फर्स्ट नंबर हो, कोई भी पूरी सीरीज के अंदर से कुछ भी गिवन हो सकता है। तो इस सीरीज के अंदर क्या है, यहाँ पे ये वाला नंबर आपके पास में गिवन है एंड दैट इज ओके। तो यहाँ पे ये कह सकते हो जो यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा है वो यहीं पे आपका अप्लाई होगा, डन। तो अब यहाँ पे पहले लॉजिक देखते हैं कि क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। लॉजिक क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए मैं 218387 को 3 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी? 729। अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 243। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 81। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है कि हर बार 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सेम हम अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे इधर जाने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। जब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आपको इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल इधर ही फॉलो करो इसको। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ बेटा 3 से, क्या आ गया आपके पास में? ये हो गया आपके पास 3 × 3 135। ओके, अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 3, अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 3, कितना आ गया हमारे पास? 15। दैट मींस योर आंसर इज 15, डन। अच्छा, अब ये बताओ अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है फिर क्या आएगा आंसर? अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है फिर क्या करेंगे? फिर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे इसको, इधर जाएंगे। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान देखो, अगर मान लो मेरा पैटर्न इधर जा रहा है, मैं इधर देख रही हूँ और इधर क्या बन रहा है? सारा का सारा डिवीजन बन रहा है। दैट मींस कि इस साइड में जाते टाइम मेरे पास क्या है? डिवीजन। तो अगर मैंने इस साइड जाना है तो मेरे पास में क्या हो जाएगी? वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। देखो कैसे, अगर इसी को ही देखूं मैं तो क्या 9 9 × 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 27 27 × 3 81 81 × 3 243 243 × 3 729 729 × 3 2187। ओके, तो अगर मैंने इधर जाना है तो उस केस के अंदर क्या करोगे? राइट टू लेफ्ट टाइम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे इसको। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा? 12 15 आ गया, ठीक है। फिर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ गया? 36 47। ओके, क्लियर? किसी को कोई भी डाउट?
हाँ जी, कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कुछ समझ आ रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ जी सेशन हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेते हो, आते हैं आप लोगों को ऐसे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन सोल्व करने, देन वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आते, तो बेटा माइक्रो कोर्सेज में जाएंगे सभी, माइक्रो कोर्सेज के अंदर, जिसके अंदर नंबर सीरीज आपकी बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक के हर तरह के क्वेश्चन आपके करवाए हुए हैं, ठीक है, हर टाइप आपको समझाई हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रो कोर्स ले सकते हो, किसका, नंबर सीरीज ले सकते हो। उसके अंदर भी फर्दर अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेना। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है, आप वीडियो लेक्चर ले लेना, ओके। नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी। क्या है, लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज विच पेयर ऑफ द नंबर्स कम नेक्स्ट। पेयर बताना आपको कौन सा पेयर आएगा आगे। अब देखो यहाँ पे क्या, 28, 25, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस थ्री हो रहा है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है। फिर अगर हम देखें तो कोई भी नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि इस तरह का तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचना है, थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना है, क्या हो रहा है, एक रैंडम नंबर है जिसमें से माइनस थ्री हो रहा है और उसके बाद आ गया 5, ठीक है। फिर एक रैंडम नंबर उठाया, उसके अंदर से क्या किया, माइनस थ्री और फिर आ गया 5। फिर उसके बाद क्या आएगा, अगेन एक रैंडम नंबर, उसके अंदर से माइनस क्या करेंगे हम, 3, क्या आ गया आपके पास, 11, और उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, 5, तो क्या आ जाएगा, 11 5। ओके, क्लियर, कोई डाउट इसमें, सिंपल था। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आपका सीसेट 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। मैं आपको अलग अलग और भी हर ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, बट मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो डिफरेंट आए हुए हैं, अगर डायरेक्ट सीरीज के अलावा आए हुए हैं, दैट मींस कि कुछ डिफरेंट आ सकता है एग्जाम के अंदर, उसके लिए प्रिपेयर रहना। अब यहाँ पे सीरीज क्या है, डेट गिवन है आपके पास में, 4/12/95, 4 दिसंबर 95, जिसके बाद 1 जैन 96, 29 जैन 96, 26 फेब 96। अब आगे क्या आएगा, आगे क्या, तो यहाँ पे देखिए आप, आपने यहाँ पे डेट को देख के भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई जब डेट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपके पास में क्या रहा है, दिसंबर, तो दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा, और दिसंबर में कितने डे हैं आपके पास में, 31 डेज, जनवरी में 31 डेज, फेब के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे ध्यान दो, 96 है, दैट मीन्स व्हाट, कि कितने डेज है आपके पास में, 29 डेज। थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट आपका ध्यान देने वाला है, ओके। अब देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, भाई 4 के बाद में अगर मैं 1 जैन की बात करूँ, तो कितने दिनों का गैप है बीच में, कितने दिनों का गैप है, 4 से लेके 31 डेज का मंथ है, 31 डेज का मंथ है, दैट मीन्स की जो फर्स्ट है वो किस पे आएगी, 32nd डे आ गया एक तरह से, 31 तक तो हो गया ये, 31st के बाद आएगा ना फर्स्ट, तो इस फर्स्ट में से मैं अगर इसको माइनस करूं तो मेरे पास में कितने का डिफरेंस है, 28 डेज का डिफरेंस है। कितने डेज का डिफरेंस है बेटा, 28 डेज का डिफरेंस है, ओके। अब आगे अगर हम देखें तो यहां से 1 जैन से 29 जैन कितने का डिफरेंस है, अगेन 28 डेज का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर मैं देखू 29 से 26, तो 29, अब यहाँ पे जो जैन था दैट इज ऑफ 31 डे, तो 29 के बाद क्या आएगा आपके पास में, 30 31, उसके बाद 1 2 3, तो 26 तक अगेन कितने का डिफरेंस है आपके पास में, 28 डेज का। दैट मीन्स कि फाइनली हर डेट के अंदर 28 डेज का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो ये नेक्स्ट डेट है क्या है, 26 96, इसके अंदर भी मुझे कितने डे ऐड करने पड़ेंगे, 28 डेज ऐड करने पड़ेंगे, 28 डेज ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो 28 कैसे बनेगा, 26 27 28 29, जैन खत्म, फिर 3 के बाद 3 तो दिन यही हो गए, उसके बाद क्या आ जाएगा, फैब शुरू हो गया, और फैब की 1 2 3 सॉरी मार्च शुरू हो गया, आई एम सॉरी बेटा, फरवरी के बाद मार्च आएगा ना यहाँ पे,
ये फैब की डेट है 26। अब लीप ईयर है, दैट मीन्स कि क्या हो गया आपके पास में, जब लीप ईयर है दैट मीन्स कि 29 डेज होंगे, 29 डेज होंगे दैट मीन्स कि क्या हो गया आपके पास में 27, 28, 29, ये तो हो गए फैब के। उसके बाद क्या आ गया आपके पास में, मार्च आ गया। अब मार्च शुरू हो जाएगा, अब मार्च के कितने 28 का गैप करना है, दैट मीन्स कि 25 डेज, तभी 28 का गैप बनेगा। अब हमें पता है कि फरवरी के बाद आ गया मार्च और क्या आएगा 96, तो आंसर क्या आ जाएगा 25th March 96। अगर देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सीरीज है, 28 का गैप है, डिफरेंस की सीरीज आ रही है, ठीक है। बट थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे क्या हमने अप्लाई करना है कि अलग अलग मंथ के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ डिफरेंट आ सकता है, सिर्फ मैं इतनी सी बात कह रही हूँ आप लोगों को कि कुछ डिफरेंट आ सकता है बट सिंपल आएगा, ये भी मान के चलो आप। अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में, जो सीरीज है सिंपल सीरीज है, बट किस में आ गई, रोमन में आ गई, रोमन आपको आना चाहिए, रोमन सीधी सी बात है भाई, सेकंड क्लास के अंदर रोमन सिखा देते हैं, दैट मींस कि जब आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये रोमन में भी आ सकता है, आ सकता है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम इन नंबर्स को देखें तो नंबर क्या है, दिस इज 5, 8, 11, ये क्या है 14, ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड देन 20, एक्स मीन्स होता है 20, दिस इज 20, डन। अब तो इजी हो गया, अब तो बिल्कुल इजी हो गया आप लोगों के लिए, कितने कितने का गैप है, 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस दैट मीन्स 17, दैट मीन्स 17, बट 17 को भी किस में लिखना है, रोमन में, रोमन में। अब आपको पता होना चाहिए, हाँ जी, 10 + 5 = 16 and 17, दिस इज योर नंबर। तो क्या आ जाएगा, एक्स वी आई आई, ओके। 50 के लिए क्या होता है बेटा, L होता है, 100 के लिए C, दिस इज 50, दिस इज 100, X मीन्स 10, V मीन्स 5, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास ए सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द नंबर, ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस, सी से 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट था, बल्कि बिल्कुल इजी था, साथ में आपको पूरे का पूरा लॉजिक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही लॉजिक दे दिया है उन्होंने, आपको कुछ नहीं करना, बट देख के अगर हम सीरीज को घबरा गए दैट मीन्स कि वहीं पे रॉन्ग हो गए। सिंपल सीरीज है क्या, 14, 18, 20, 24, 30, 32, ओके। और साथ में ही आपके पास में हिंट क्या दिया है, देखो मैं बताती हूँ आपको, 20, 24, 30, 32, ये सीरीज थी बेटा, ठीक है। साथ में आपको क्या कहें, सीरीज इन द सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, हिंट दे दिया आपको, अगर ये ना होता तो आपको सोचना पड़ता, अब साथ में ही गिवन है दैट मींस कि अब तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्राइम नंबर का हिंट दिया है उसने आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो अब हमने देखना है कि ये जो मेरे नंबर्स गिवन है ना, ये किसी न किसी प्राइम नंबर से रिलेटेड है, प्राइम नंबर से रिलेटेड है। अब देखो 14 के नियर बाय अगर हम प्राइम नंबर देखें तो क्या बनेगा आपके पास में, 13 बनेगा, तो क्या है आपके पास में 13, ठीक है। 18 से पहले क्या आता है 17, 29 के ओके 23, यहाँ पे अगर हम देखें 29 और अगर हम देखें 31, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो प्राइम नंबर्स है मेरी सीरीज में क्या हो रहा है कि प्राइम नंबर के अंदर प्लस वन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे प्लस वन हुआ मेरा नंबर बन गया प्लस वन 18, प्लस वन 20, प्लस वन 24, प्लस वन 30, प्लस वन 32। अब 31 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 37, क्या आता है आपके पास में 37, तो क्या करेंगे अगेन प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 38, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 38, ओके तो 38 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो किसी को, कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी एक और है सीरीज, सिंपल सीरीज है, इसमें आपके पास रोमन और सिंपल दोनों के दोनों नंबर्स आपके कंबाइन कर रखे, क्या कह रहे हैं, हाँ जी नंबर है रोमन में और फिर आपके पास में सिंपल नंबर्स हैं, तो सीरीज देखते हैं क्या है, दिस इज 6,
रोमन को एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है आपको कन्वर्ट करने की। दो सीरीज है, 6 5 4, 6 5 क्या आएगा आपके पास में, 4, ठीक है। तो 4 को रोमन, बट यहाँ पे ये रोमन है तो यहाँ पे भी रोमन में आएगा। 4 रोमन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपके पास में, ऑप्शन बी आ गया। दो सीरीज है, ये क्या है 10 11 एंड 12, और ये क्या हो रहा है आपके पास में 6 5 4 एंड देन 3। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, डन। तो नंबर सीरीज सभी ने कर लेने हैं अच्छे से, सभी ने नंबर सीरीज अच्छे से कर लेनी है, ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर, 5th को एग्जाम हो जाना है। दैट मीन्स कि हमारे पास में मिनिमम टाइम के अंदर जिन जिन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ओके। नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, दोनों टॉपिक्स टिप्स पे कर लेना बेटा, नंबर सीरीज एंड नंबर सिस्टम, ओके। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्स का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो। सभी ने करना क्या है, पहले ये चेक करो, अब तो बेटा लास्ट मोमेंट है एक तरह से, तो उसके अंदर ये देखना है कि मेरे कौन कौन, पहले सिलेबस उठाओ, सिलेबस के अंदर से देखो कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें से देखो कि मुझे क्या नहीं आता, जो आपके वीक एरियाज हैं उनको फाइंड आउट करो, और उसके बाद में क्या करना, उन पर्टिकुलर एरियाज पे फोकस करो, उनको प्रिपेयर करना है, ओके। एक और सीरीज है, चलो करते हैं, क्या 1/9 1/3 1 क्या आएगा। अब 1/9 से 1/3 कैसे बना, 1/9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा बेटा, 1/3। दैट मीन्स कि आपके पास फ्रैक्शन की सीरीज भी आ सकती है, फ्रैक्शन की सीरीज एग्जाम में आ सकती है, डेसिमल की सीरीज भी एग्जाम में आ सकती है, ओके। अब 1/3 को 1 के लिए क्या कर रखा है, अगेन अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, 1, और 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3। दैट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट के लिए अगर मैं देखूं तो 3 को अगर मैं 3 से करूं तो क्या आएगा, 9, और यहाँ पे टर्म क्या है, 9। दैट मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास में, हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, रोंग सीरीज फाइंड आउट करने, रोंग नंबर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, 72 74 84 110 162 44 364, मीन्स रोंग आपको फाइंड आउट करना है। रोंग कैसे होगा, आपने क्या देखना है कि भाई लॉजिक क्या लग रहा है सबसे पहले। जब आपको मिल गया लॉजिक, आप उस पर्टिकुलर लॉजिक के अंदर से देखो कि कौन सा पर्टिकुलर नंबर उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा, जो फॉलो नहीं कर रहा दैट इज रॉन्ग, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंस अगर हम चेक करते हैं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, 2, उसके बाद में अपने पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10, ये हो गया आपके पास 26 एंड दिस इज 50, ये हो गया आपके पास 84, ओके, और ये हो गया हमारे पास में 0 2 1 120 120। अब इन नंबर्स को देख के कुछ आ रहा है माइंड में, हाँ जी, अगेन ये भी हो सकती है ये सीरीज आ जाए आपके पास एग्जाम के अंदर, ये सीरीज भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, है ना। अब ये सीरीज देखो, इसमें भी आपके पास कुछ हिंट, चलो हिंट मैं देती हूँ, जैसे उस क्वेश्चन में प्राइम का हिंट था ना, अब मैं हिंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। स्क्वायर के नियर बाई नंबर है, ऑल द नंबर्स आर नियर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, हाँ जी। अब देखो अगर हम स्क्वायर देखें तो क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स कि सभी में क्या जाना चाहिए, ओड नंबर्स का स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा फिर, 9 स्क्वायर प्लस 1, देन 10 11 स्क्वायर प्लस 1। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा बेटा, 82 बनेगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 84। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ रोंग चल रहा है, रोंग चल रहा है, तो उसको करेक्ट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 82 82। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास में, 242 आना चाहिए, ठीक है ना, 242 आना चाहिए। जब 242 आएगा तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 121 प्लस 1, दैट मीन्स कि 122 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 122 का डिफरेंस आ जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मीन्स क्या है कि 244 इज द रॉन्ग टर्म, एंड इन प्लेस ऑफ 244 देयर शुड बी 242। अब ये भी हो सकता है एग्जाम के अंदर कि हाँ जी बताओ क्या आएगा उसकी जगह पे, जैसे अपने एक क्वेश्चन में आया हुआ था ना कि रोंग को करेक्ट से रिप्लेस करो, तो वहां पे आपको करेक्ट बताना है, बट अगर आ जाता है कि रोंग बताओ तो उस केस के अंदर आपको रोंग को बताना है, ओके। हाँ जी,
सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी बने रहे तब तक अभिपीडिया के साथ। थैंक यू सो मच।